गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग, दैट इज फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 9 केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। एयर, वाटर, शुगर, सेंट, बुक, पेन, वाइटनर, पेन, ब्रेकर, टोंग, चॉक, हैंड, पेपर। वॉट आर दीज थिंग्स? दीज थिंग्स आर थिंग्स, इनका नाम है, नाम हमने देखा है, ये वही थिंग्स है। लेकिन केमिस्ट्री लैंग्वेज में इन सब को एक साथ कॉन्क्लूड करके क्या कहा जाता है? ऑल अबाउट थिंग्स हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, सो वी कैन कॉल एज मैटर, वी कैन कॉल एज मैटर। मैटर एक टर्म थी जिसको दे दिया कि इन सभी थिंग्स को जो कि मास और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैटर। सो हेयर एक क्वेश्चन अराइजेस, सो व्हाट इज मैटर? सो इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन नोट्स में दिया गया है आपको, केवल वही चीज है उसको समझना है। एवरीथिंग हैविंग डिफरेंट शेप, साइज, टेक्सचर, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन यूनिवर्स इज कॉल्ड एज मैटर। एयर इज ऑल्सो कंसिडर एज अ मैटर। एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर मैटर, सो एयर इज ऑल्सो मैटर। फूड, स्टोन्स एट्सेट्रा, एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर सेड दैट ऑल द मैटर, मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। जब मैटर नोमेनक्लेचर नहीं हुआ था तब तक हम इसको पदार्थ बोलते थे। इंडियन फिलोसोफर ने इसको क्या बोला था? पदार्थ बोला था। वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, उन्होंने ये कहा जो पदार्थ है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स के साथ मिलके बना होता है। अगर किसी ने शक्तिमान देखा हो ना तो वो प्रेयर करता है तब उसके पीछे 5 स्टार बनते हैं उसकी बैक पर, तो वो क्या थे? वो ये तत्व थे, वो इन सबको इकट्ठा करता था, इनमें बहुत एनर्जी मिलता है। पंच तत्व कहते हैं इन्हें, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन पंच तत्वों में से अगर एक का भी बैलेंस खराब होता है, एक भी अगर कम होता है, तो जो यूनिवर्स का जो सिस्टम है वो सिस्टमाइज नहीं रहेगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो ध्यान रखना है पंच तत्वों से मिलके बना होता है कोई भी एक मैटर, ऐसा हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसोफर कहकर गए हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर ने तो बोल दिया कि 5 बेसिक एलिमेंट से मैटर बना होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग इसको आगे कैसे और रीड करते हैं, आगे और कैसे इस पर स्टडी करते हैं? तो फिर माया मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर इसको 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। डिपेंड्स ऑन फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर, 2 टाइप से मॉडर्न क्लासीफाई किया गया। तो अब फिजिकल नेचर क्या होगा इसका, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? तो इसमें देखो सबसे पहले आता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोला? मैटर जो है वो किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। देखिए पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही टाइनी पोर्शन में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। इनको हम नेकेड आई से भी देख पाते हैं कई बार, और कई बार नहीं भी देख पाते हैं। अभी देखिए सैंड पार्टिकल्स और सॉल्ट पार्टिकल्स का मिक्सचर मैंने लिया है, तो इसमें जो वाइट कलर के हैं वो सॉल्ट पार्टिकल हैं और बाकी सैंड पार्टिकल्स हैं, रिमेनिंग जितने भी पार्टिकल्स हैं। लेकिन देखो कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो ये क्या है, ये सब एक साथ मिलके एक साथ मिट्टी बनाते हैं, सारे मिलके क्या बनाते हैं? मिट्टी बनाते हैं। मैटर हो गया, सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इनका साइज देखो कितना छोटा है, इवन हम इसको नेकेड आई से देख पा रहे हैं लेकिन ये और भी छोटे छोटे होते हैं। देखो कितने छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप, इसके लिए हम देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक चौक है, दिख रहा है? ठीक है, इधर देखिए, ये क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। यानी ये कह सकते हैं चौक जो है इन छोटे पार्टिकल्स से मेड अप ऑफ, इनसे बना हुआ था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में। देखिए कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए हैं इसके। तो ये बोला जा सकता है कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. सेकेंड फिजिकल नेचर में क्या था, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, बीच में स्पेस होता है. ये कैसे हम लोग मानेंगे कि स्पेस होता है, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं. ये मैंने लिया है वाटर. वाटर ले लिया है, ये मैं ले रही हूँ चौक. अब देखो गीला हो गया है चौक पूरी तरीके से, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसने वाटर पार्टिकल्स को या वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया. क्या चौक का साइज इंक्रीज हुआ, चौक का लंबाई चौड़ाई वेड्थ लेंथ कुछ इंक्रीज हुआ, नथिंग. इसने फिर भी क्या किया है, वाटर जो पार्टिकल्स थे, वाटर जो मॉलिक्यूल्स थे, उसको इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया. मैंने ये फुल वाटर लिया था, उसके बाद भी मैं इसको इसमें डिप कर पा रही हूँ. पानी नीचे गिरा नहीं गिरा, तो इसने क्या किया, जितना स्पेस ये अंदर गया इतना इसने पानी को एब्जॉर्व कर लिया अपने अंदर. तो मैटर के अंदर स्पेस था तभी तो ये पानी को एब्जॉर्व कर पाया, समझ गए. मैटर के अंदर स्पेस नहीं होता तो क्या ये पानी को एब्जॉर्व कर पाता, नहीं. इस मैटर के अंदर स्पेस था इसीलिए ये पानी को एब्जॉर्व कर पाया. तो ये बोला जा सकता है यहाँ पर, सो वी कैन से पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देन. तो ये ध्यान रखना है, ये भी एक इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल नेचर है उसका, जिसमें ये शो होता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. हम इसको और कट करके देख लेते हैं. देखो पूरी तरीके से ये गीला हो गया है, इसके इसके कलर में डिफरेंस समझ में आ जाएगा. ये ड्राई है और ये वेट चौक है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय दिस दे कैन होल्ड ईच अदर. एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग इसके लिए. पार्टिकल्स में ये मैंने 2 ml के करीब पानी लिया है, अबाउट 2 ml, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ. KMnO4 पार्टिकल्स, ये देखिए. अगर पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, पानी के पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस नहीं होता तो क्या ये कलर शो हो पाता. जितने भी KMnO4 के पार्टिकल्स थे वो पानी के स्पेस के बीच में एंटर हो गए. पानी के पार्टिकल्स जो थे, पानी के मॉलिक्यूल्स जो है, उनके बीच में स्पेस है, वे वहां जाके घुस गए, इसलिए इसका सारे सॉल्यूशन का कलर जो है चेंज हो गया है. तो ये आपको समझना है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. थर्ड पॉइंट है आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, देखिए अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो ये क्या ये बिखर नहीं जाता, लेकिन ये बिखरा हुआ नहीं है. देखो हम इसको इन दोनों के बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए ये क्या है, एक दूसरे से बाइंड पोजीशन में. जब हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था चौक को लेके, तो वो एकदम बिखर गया था. इधर देखिए एकदम बिखरा हुआ नहीं है, ये देखिए ये फिर से बाइंड पोजीशन में आ गया. तो इनके अंदर क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स भी होता है जिसके थ्रू ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं. ये देखिए ये मेल्टर फॉर्म में नहीं है,
ऑल सॉलिड पार्टिकल्स हैव अट्रैक्शन फोर्स बाय दिस दे कैन होल्ड ईच अदर एंड दे फॉर्म अ लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड. फोर्थ पॉइंट है पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग दे आर इन मोशन. ये बोला जाता है कि पार्टिकल्स जिनसे वो मैटर बना है वो सभी क्या है कॉन्स्टेंटली मूविंग है. मूविंग अब देखो एक मूवमेंट देखना जस्ट ये मैंने लिया है वाटर. अब यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट आपको देखना है. ये देखो जस्ट अगर पार्टिकल मूव नहीं करता तो क्या ये नीचे पहुंच पाता. फिर से देखिए क्या हो रहा है ये मूवमेंट. मैंने इस साइड से डाला तो पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो इस साइड हुआ. पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो इस साइड हुआ. अभी देखो पूरा सॉल्यूशन जो है कलरफुल नहीं है. पूरा सॉल्यूशन जो है कलरफुल नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट धीरे धीरे अभी इसमें हो रहा है. अगर हम इसको हीट कर देते गर्म पानी लेते हीट कर देते तो यहाँ पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती. इंक्रीज होने की वजह से बहुत जल्दी सोल्यूबल हो जाता तो ये बहुत जल्दी एक कलर्ड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता. लेकिन अभी पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो मोशन में हो रहा है क्योंकि ठंडा पानी है. आफ्टर फ्यू मिनट्स ये सॉल्यूशन मिलेगा. पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे हैं और पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया है कलरफुल. सो ओवरऑल हमने फोर प्रॉपर्टीज को पढ़ा है. तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जैसे ये कोई भी मैटर है या हम मान सकते हैं कि ये मैटर है. ओके ये जो है पार्टिकल्स से मिलके बना है. इस तरीके से पार्टिकल्स जो हैं इसके साथ अटैच है. छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं इसके साथ अटैच है. मान लिया. इसके बाद देखा इनके बीच में क्या है एक अट्रैक्शन फोर्स है जिससे ये एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं. इनके बीच में क्या है स्पेस है. यहाँ पर स्पेस है कि कोई अनदर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे आके फिट भी हो सकता है. एक दूसरे को होल्ड भी किया हुआ है. छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है. जब हम इसको ब्रेक करते हैं ब्रेक करने के लिए हम कोई भी बाहर से प्रोसेस यूज़ करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं मूव. और ये किस मोशन में रहते हैं मूविंग मोशन ऑलवेज. लेकिन ये सभी के लिए अलग होता है. गैसेस मैटर्स के लिए अलग होता है. लिक्विड मैटर्स के लिए अलग होता है. इसका जो स्पीड है वो सभी के लिए अलग अलग होता है. लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो चार प्रॉपर्टीज हैं. जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो ये चार प्रॉपर्टीज हैं. और ये चारों प्रॉपर्टीज जो है आपको क्लियर होनी चाहिए याद होनी चाहिए. आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा. ठीक नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ पार्टिकल्स मूव. पार्टिकल्स जो है वो किस तरीके से मूव करते हैं. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग मेथड्स. पार्टिकल्स मूव करते हैं ये हमने मान लिया. लेकिन ये किस तरीके से मूव करते हैं ये हमें थोड़ा सा देखना है. ध्यान रखिए ये जिस तरीके से मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है. आप इसको अगरबत्ती अपने घर में अगरबत्ती जला के कैंडल जला के या परफ्यूम छिड़क के भी एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं. देखिए धुआं दिख रहा है आपको. देखिए ये क्या हो रहा है. ये पार्टिकल्स का मूवमेंट है. ये जो धुआं जा रहा है ये क्या है. मैं नहीं रोक पा रही हूँ उनको. मैंने रोका है नहीं रोक पा रही हूँ. ये खुद से जा रहे हैं. ये क्या है पार्टिकल्स मूवमेंट है. लेकिन इनका मूवमेंट किस तरीके से होगा कैसे होगा ये हमें इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है. ये देखिए सभी को दिख गया. फर्स्ट मेथड है डिफ्यूजन. द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स बाय व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस.
और डू मैकेनिकल एक्सक्यूज मी बिल्कुल, अभी हमने एक पेपर को जलाया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, हमने क्या किया टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो वहाँ जब पेपर जला तो उसमें से स्मोक निकल के आया, वो स्मोक किस में इंटरमिक्स हुआ एयर में, किस में इंटरमिक्स हुआ एयर में, और डू मैकेनिकल वर्क या हमने हाथ से कोई भी काम किया, ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ध्यान रखना है ऑन देयर ओन, मैंने बोला था धुएं को मैं रोक नहीं पा रही हूँ, स्मोक को मैं नहीं रोक पा रही हूँ, वो खुद से इंटरमिक्स हो रहा है, खुद से एयर के साथ मिक्स हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ये क्या है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आप इसको करके देखिएगा घर पे, एक मोमबत्ती लीजिए या फिर अगरबत्ती लीजिए, उसको जलाइए, उसके बाद उसमें से जो धुआं निकलेगा उसको आप नहीं रोक पाएंगे, वो खुद से इंटरमिक्स होगा एयर के साथ, और एक रूम के कॉर्नर पे अगर उस अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका जो महक है, उसकी जो खुशबू है, वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, खुद से इंटरमिक्स हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है ये टर्म को, ऑन देयर ओन, और कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा व्हाट इज डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स बाय व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज और डू मैकेनिकल वर्क ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन कॉल्ड एज डिफ्यूजन ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल याद रखना है, स्मेल ऑफ परफ्यूम बोटल पुट इन वन कॉर्नर द रूम फ्रेग्रेंस स्प्रेड आउट इन द होल रूम। हम लोग करते हैं रूम फ्रेशनर भी तो लगाते हैं इसी तरीके से, या हमारी बॉडी पे स्प्रे करते हैं हम लोग परफ्यूम का, तो उसमें देखते हैं कि हम चारों तरफ से हमारे अंदर से खुशबू आती है, रूम में चारों तरफ खुशबू हो जाती है, तो वो किस प्रोसेस को फॉलो करता है, जो पार्टिकल्स थे वो स्प्रेड आउट हो गए डिफ्यूजन मोशन के थ्रू। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस और हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस। ये ध्यान रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे ही टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो डिफ्यूजन होने का जो रेशो है पार्टिकल्स का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज या हीटिंग इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पार्टिकल्स के पास दो तरीके का एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी, जब एनर्जी बाहर से देते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट होने लगती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है एक साथ इंक्रीज हो जाती है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। सो ये याद रखना है, गैसेस पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हाई होगा, क्योंकि इनको बहुत एटम्स को ब्रेक करने के लिए, इनके एटम्स जो हैं इस तरीके से रहते हैं, जब इनको ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए तो फटाफट हीट लेके फटाफट डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड होने से फटाफट डिफ्यूज भी हो जाएंगे, और जो लिक्विड होते हैं वो थोड़े थोड़े से पास होते हैं, तो इनको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी बहुत टाइम तक इनको थोड़ा हीट देना पड़ेगा, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा क्लोज होते हैं तो इनको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, गैस फिर लिक्विड और फिर सॉलिड, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा मिलेगा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड। डज ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, यस हीटिंग से हम लोग इंसेंस स्टिक लेकर आते हैं या अगरबत्ती लेकर आते हैं, उसमें से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं आती है, लेकिन जैसे ही हम उसको बर्न करते हैं, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में या आउटसाइड रूम में भी चली जाती है। देखिए बर्गर पिज्ज़ा समोसा ये जैसे ही बनते हैं, जैसे इनको गरम गरम तेल में डाला जाता है तो इनकी खुशबू जो है, महक जो है, पड़ोसियों तक आती है, सबको पता चल जाता है आज इनके घर में क्या बन रहा है, समोसा बर्गर पिज्ज़ा, सबके मुंह में पानी आ गया होगा अब तो। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, यस ऑफकोर्स
टेम्परेचर इंक्रीज, रेट ऑफ मिक्सिंग ऑल्सो इंक्रीज। आपको ये तीनों क्वेश्चन एकदम माइंड में क्लियर होने चाहिए, तब जाके ही पढ़ने का असली मज़ा है। नेक्स्ट एक तरीके का और मोशन मिलता है, वो है आपका ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन ने ये मोशन दिया था, ये भी डिफ्यूज़न के जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से हमको पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद रॉबर्ट ब्राउनियन मोशन। इट इज़ फिजिकल फेनोमेना इन विच सम क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंटली undergoing small random fluctuation। ये एक physical phenomena है, chemical phenomena नहीं है। इसमें क्या होता है कि कुछ quantity particles की जो है randomly, ये बहुत small quantity होती है, वो हमेशा fluctuate mode पर रहती है। अब fluctuate mode पर रहेगी तो एक single direction में नहीं रहेगी, तो इसमें motion कैसा मिलेगा? जिग जैग। कैसा motion मिलेगा? जिग जाए, मर्जी होगी जैसे जाएगा, जिग जैग मोशन। तो एग्जांपल है इसका मोशन ऑफ पोलन ग्रेन्स जिग जैग वे में, डिफ्यूजन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर। तो एयर के अंदर भी इस तरीके से नहीं होता है कि पॉल्यूशन जब फैलता है कि हाँ एक डायरेक्शन में फैल रहा है, कैसे फैल रहा है बस। तो जिग जैग मोशन के अंदर वो भी इसी तरीके से जाता है। तो ये भी एक डिफ्यूज़न की तरह ही होता है, लेकिन ये जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न तो तब होता है जब हम लोग उसको एनर्जी देते हैं या मैकेनिकल वर्क करते हैं या टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं, तब जाके उसकी इंटरमिक्सिंग होती है बाय देयर ओन। लेकिन ब्राउनियन मोशन में ये होता है कि ये मोशन जो है स्मॉल पार्टिकल्स में मिलता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है और रैंडम फ्लक्चुएशन मिलता है इसका, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ये भी नहीं देखा गया है ना कि हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है वो एक मतलब पूरे यूनिवर्स में सेम है, तो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। समझ पा रहे हो बात को? ये ब्राउनियन मोशन है। तो ये बस बोल दिया है कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा ही मूविंग मोड पे रहते हैं, उनके तो वो रैंडम फ्लक्चुएट रहते हैं। तो वो किस मोशन में आते हैं, किस टाइप का मोशन करते हैं? ब्राउनियन टाइप का मोशन। तो लेट्स कंक्लूड विद समरी। तो आज हमने ये पढ़ा व्हाट इज मैटर, और पंच तत्व पढ़े, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा, फिजिकल नेचर केमिकल नेचर पढ़ा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर आज हमने ये पढ़ा। इसके अलावा हाउ पार्टिकल्स मूव हमने ये पढ़ा, डिफ्यूज़न पढ़ा, ब्राउनियन मोशन पढ़ा, किस तरीके से फिजिकल स्टेट जो थी डिफरेंट टाइप्स के मैटर की उनको स्टडी किया, थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, एग्जांपल्स सॉल्व किए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।